हेलो, टुडे विल चेक अप विद यू बाय एसिंक सेवन बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट 50% डिस्काउंट, 70% प्रमोटर होल्डिंग। लेट्स जंप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जनरली जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होता है तो वो हमें ये बताता है कि कंपनी के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स कंपनी के फाउंडर्स या प्रमोटर्स के पास है। और जब किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होता है तो वो उस कंपनी को समझने के लिए इन्वेस्टर्स को बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स भी ऑफर करता है, जैसे कि अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग ज़्यादा होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अगर सक्सेसफुल होता है तो उसका एक बहुत बड़ा स्टेक या उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर्स से कहीं गुना ज़्यादा कंपनी के फाउंडर्स और प्रमोटर्स को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रमोटर्स ऐसे डिसीजंस करने में ज्यादा इंक्लाइंड होंगे जिससे कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बेनिफिट मिल सकता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का वैल्यू बढ़े। और प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स का वैल्यू बढ़ाने में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स ही हैं, जिसकी वजह से अगर शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगा तो उसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट प्रमोटर्स को मिलेगा। और इन्हीं सारे बेनिफिट्स की वजह से जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होता है तो वो बिजनेस में प्रमोटर्स का स्टेबिलिटी और कमिटमेंट इंडिकेट कर सकता है, जिसकी वजह से ऐसे प्रमोटर्स कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बदले लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर किसी कंपनी में स्ट्रांग प्रमोटर होल्डिंग है तो वो एक तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है कंपनी के मैनेजमेंट टीम के ऊपर। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स का इंटरेस्ट कंपनी में बहुत ज्यादा है तो वो मैनेजमेंट टीम को हैंडपिक करेंगे, क्योंकि वो भी ये डेफिनेटली चाहेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी को चलाए और कंपनी को ग्रो करे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होता है तो ऐसे कंपनीज में हॉस्टाइल टेक ओवर जो होता है उसका चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंपनी के शेयर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए स्टेबिलिटी मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है। तो अभी अगर मान लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट किया, आपने खुद उस कंपनी में बहुत ज्यादा मेहनत किया और कंपनी को बिल्ड किया, और कंपनी के फंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स रेज किए, और इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपने अपना स्टेक दिया इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 60% ऑफ द कंपनी के स्टेक को बेचा और उन्हीं पैसों को कंपनी के ग्रोथ में लगा दिया। तो अभी मान लीजिए कोई एक और कंपनी आता है और आपने ये जो 60% ऑफ द स्टेक बेचा है उन अलग अलग इन्वेस्टर्स से ये 60% स्टेक खुद खरीद लेता है और उसके बाद आपको कंपनी से बाहर निकाल देता है। यानी अभी भी आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हो, लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस में आपका किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आप बस मात्र एक शेयर होल्डर ही रह जाओगे। और पब्लिक कंपनीज में अगर कोई इन्वेस्टर या कोई कंपनी मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए या उस कंपनी के एक्विजिशन में तो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट भी नहीं लेना पड़ सकता है। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करे या ना करे, फिर भी वो कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं या कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है हॉस्टाइल टेक ओवर। तो ये सुनने के बाद अभी कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर, ये तो फिल्मों में होता होगा, असली दुनिया में या असली कॉर्पोरेट में ऐसा थोड़ी होता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल बताऊंगा, और वो एग्जांपल है प्राइसॉल का। और प्राइसॉल एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग है 38.51%। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में पब्लिक शेयर होल्डर में एक कंपनी है जिसका नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो प्राइसॉल में 15.7% स्टेक होल्ड करता है। और जब से मिंडा कॉर्पोरेशन ने प्राइसॉल लिमिटेड में स्टेक खरीदा है, तब से मार्केट में ये बात चल रहा है कि मिंडा कॉर्पोरेशन कुछ और इन्वेस्टर्स को अपने साथ करके प्राइसॉल का हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकता है। और मिंडा कॉर्पोरेशन ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके रिलेटेड कुछ लोग ये बोलते हैं कि जिस पर्टिकुलर सेक्टर में प्राइसॉल का स्ट्रांग एक्सपीरियंस है उसी पर्टिकुलर सेगमेंट या एरिया में मिंडा कॉर्पोरेशन भी ग्रो करने के लिए प्लान कर रहा है। और अगर मान लीजिए इन केस अगर फ्यूचर में मिंडा कॉर्पोरेशन प्राइसॉल के हॉस्टाइल टेक ओवर में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद मिंडा कॉर्पोरेशन प्राइसॉल लिमिटेड को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद मिंडा कॉर्पोरेशन के पास दो ऑप्शंस रहेंगे, इधर प्राइसॉल को उस मार्केट से ही खत्म कर दे और खुद के कंपनी को इस नए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट या एरिया में एस्टेब्लिश करे, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि प्राइसॉल के जरिए ही इस नए प्रोडक्ट एरिया में वो बिजनेस बिल्ड कर सकता है और प्राइसॉल के ग्रोथ के जरिए वैल्यू ले सकता है। और इन दोनों ऑप्शंस में मिंडा कॉर्पोरेशन कौन सा ऑप्शन को चूज करेगा, ये मिंडा कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगा और अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। एंड ऑफकोर्स, ये जो प्राइसॉल का हॉस्टाइल टेक ओवर है ये सिर्फ र्यूमर नहीं है, ये एक्चुअल में रियल रिस्क है। और इसी रीजन की वजह से प्राइसॉल के जो MD है उन्होंने कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था जहां पर उन्होंने खुद ये बोला था कि ऐसे हॉस्टाइल टेक ओवर को नाकाम करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स है, उन्होंने ऑलरेडी उसको ले लिया है। और अगर प्राइसॉल के MD ही ऐसा बोलते हैं तो वो भी ये मानते हैं कि ये एक रियल रिस्क है। और अगर मान लीजिए प्राइसॉल के प्रमोटर्स ने कंपनी में 50% से ज्यादा स्टेक मेंटेन किया होता तो ऐसे हॉस्टाइल टेक ओवर का जो अनसर्टन सिचुएशन है वो कभी नहीं आता।
और इसीलिए अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होता है तो वहां पर हॉस्टाइल टेक ओवर के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों को स्टेबिलिटी मिलता है। एंड ऑफकोर्स ये अकेला इंस्टेंस नहीं है, कुछ सालों पहले एक बहुत बड़े आईटी कंपनी का हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ था और ये जो बहुत बड़ा आईटी कंपनी है ये डायरेक्ट कॉम्पिटेटर है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे बड़े कंपनीज का। और इस कंपनी का नाम अगर आपको पता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इस हॉस्टाइल टेक ओवर को किया था एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी ने और वो कंपनी था एलएनटी लिमिटेड। और आपको पता है यहाँ पर आयरनी क्या है, जो एलएनटी ने माइंडट्री के साथ किया था ऐसा ही कुछ रिलायंस ने 1989 में एलएनटी के साथ करने की कोशिश की थी, क्योंकि 1987 में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि धीरूभाई अंबानी जी का कंपनी है उन्होंने एलएनटी में स्टेक खरीदा और उसके बाद 1989 में उन्होंने एलएनटी के हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए बिड डाला था, लेकिन वो हॉस्टाइल टेक ओवर अनसक्सेसफुल हो गया। और बाय चांस अगर धीरूभाई अंबानी जी उसमें सक्सेसफुल हो जाते आज के टाइम में एलएनटी जो है वो एक रिलायंस कंपनी होता। और इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ये जो कोट है व्हेन प्रे बिकम्स प्रेडेटर, ये एलएनटी के ऊपर परफेक्टली सूट करता है। तो ये है कुछ फायदे जो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में ज्यादा होने की वजह से इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रमोटर्स के ऊपर ड्यू डिलीजेंस करें और प्रमोटर्स के हिस्ट्री और एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी के सक्सेस को गारंटी करता है, क्योंकि कंपनी का जो सक्सेस है वो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस स्ट्रेटजी कैसा है, कॉम्पिटेटिव पोजिशन कैसा है, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस कैसे हैं वगैरह वगैरह। और जनरली अगर आप देखेंगे तो अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बढ़िया है, बिजनेस स्ट्रेटजी अच्छा है, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा है और ऐसे कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग भी ज्यादा है और ऐसे कंपनीज का स्टॉक प्राइस 50% गिरे, 40%, 30% या 20% गिरे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ये कभी कभी ही होता है, मे बी 5 साल में या 6 साल में एक बार ऐसा होता है, जब हो सकता है कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे स्टॉक का जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसी बात को और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल्स देखेंगे और उन कंपनीज को इसी पर्सपेक्टिव से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ रिसेंटली हमने एक Q&A सेशन किया था जहां पर हमने लर्निंग कम्युनिटी में जो सवाल पूछे गए थे उनको हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था और उसका वीडियो भी मैंने कल लर्निंग कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है। और अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए और आपके रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिया है। और बाय चांस अभी तक अगर आपने हमारा लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल के ऊपर जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप लर्निंग कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, तो उस गूगल फॉर्म में आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जांपल कंपनी के बारे में। और इस कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड और विप्रो को ये नया नाम तो नहीं है, आपने ये पहले भी सुना है और पहले भी हमने विप्रो के ऊपर डिस्कशन किया है। रीसेंट टाइम में विप्रो के स्टॉक प्राइस में मोर देन 42% का करेक्शन हुआ है और प्रेजेंटली विप्रो में प्रोमोटर्स का होल्डिंग अराउंड 72.97% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स अभी आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें हो रही है विप्रो के साथ और आईटी इंडस्ट्री में, जैसे कि रीसेंट टाइम में विप्रो का शेयर 2.5% गिरा था क्योंकि इसके CFO कंपनी से एग्जिट हो रहे थे। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस गिरने के लिए वैलिड रीजन है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उन्हें कॉग्निजेंट में नौकरी मिला है जहां पर उन्हें 5 times का हाइक मिला है। यानी यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कंपनी का कोई की एग्जीक्यूटिव कुछ पर्सनल रीजन की वजह से भी कंपनी से एग्जिट करता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी अगर आप आईटी इंडस्ट्री का हालत देखेंगे तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के जो टॉप कंपनीज हैं उनसे जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो उतना ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज का मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो US इकोनॉमी से आता है और 2-3 सालों से आपने देखा होगा US इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और रीसेंट टाइम्स में भी अगर आप देखें तो JP Morgan के जो पिंटो जी है उन्होंने ये बताया है कि US इकोनॉमी स्ट्रांग है लेकिन अभी भी वो बहुत सारे रिस्क फेस कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। यानी इसका मतलब ये है कि अभी अगर US इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज है तो वही अनसर्टेनिटीज इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू US इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक प्राइस में आने वाले टाइम में अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं होता है तो उनमें और भी ज्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। और ये सिचुएशन विप्रो के लिए भी अप्लीकेबल है क्योंकि विप्रो का 60% ऑफ द रेवेन्यू अमेरिकाज यानी अमेरिकन कंट्री से आता है, यूरोप से 26% रेवेन्यू और APMEA यानी एशिया पैसिफिक
मिडल ईस्ट और अफ्रीकन जियोग्राफी से कंपनी को अराउंड 14% का रेवेन्यू आता है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो ये बोला जाता है कि आईटी इंडस्ट्री का जो हायरिंग है वो वीक है, क्योंकि अभी भी ग्लोबल मैक्रोज जो है उसमें कंसर्न्स है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आईटी कंपनीज में इंक्लूडिंग विप्रो वहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करें, जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि डिमांड रिवाइवल कब हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्द विप्रो का भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है, तो उसको भी आप रेडार में रख सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, प्रेजेंटली अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर और विप्रो दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ही बैड है, और इन्हीं बैड सिचुएशंस में कुछ इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत रेयरली ही होता है कि इन अ वेरी गुड सिचुएशन यू गेट अ वेरी गुड प्राइस फॉर द स्टॉक। यानी सिंपल वर्ड्स में सब कुछ अच्छा है और प्राइस भी डिस्काउंटेड है, ऐसा रेयरली होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो क्वालिटी कंपनीज होते हैं जिनका बिजनेस फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वहां पर ओनली इन अ वेरी बैड सिचुएशन यू गेट अ वेरी गुड प्राइस फॉर द स्टॉक। यानी बैड सिचुएशंस में ऐसे स्टॉक्स डिस्काउंट पे होते हैं, और जब ऐसे कंपनीज में सिचुएशन वेरी गुड हो जाता है तो तब क्या होता है, स्टॉक का प्राइस वेरी बैड हो जाता है, क्योंकि स्टॉक एक हायर वैल्यूएशन पे या हायर प्राइस पे ट्रेड करने लगता है। और मेरा ओपिनियन ये है कि इस बात को रिटेल इन्वेस्टर्स सीरियसली नहीं समझते हैं, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब सिचुएशन वेरी बैड होता है और स्टॉक का प्राइस वेरी गुड होता है, तब रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक का प्राइस गिर रहा है इसको देख के शेयर को सेल कर देते हैं या उस शेयर को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब सिचुएशन फिर से वेरी गुड हो जाता है तो उसके बाद उसी स्टॉक को वो एक बहुत ही हायर प्राइस पे या हायर वैल्यूएशन पे जब स्टॉक का प्राइस वेरी बैड होता है उस टाइम खरीदने आ जाते हैं। यानी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टिंग का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है बाय एन एसेट एट लोअर प्राइस एंड सेल एन एसेट एट हायर प्राइस, उसके ठीक एग्जैक्ट ऑपोजिट कर रहे हैं, यानी ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें यानी जो FIIs और DIIs है वो इस बात को बखूबी समझते हैं, और इसी रीजन की वजह से आपने जनरली ये देखा होगा कि जब सिचुएशन वेरी बैड होता है और जब स्टॉक का प्राइस वेरी गुड होता है तो ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, और जब सिचुएशन वेरी गुड होता है और स्टॉक का प्राइस वेरी बैड होता है तो ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट 6 to 7 क्वार्टर्स में विप्रो में रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट हो गए और वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और जब विप्रो का शेयर प्राइस फिर से बढ़ जाएगा तो यही रिटेल इन्वेस्टर्स फिर से विप्रो के शेयर खरीदने आ जाएंगे। लेकिन गेस व्हाट, इन द लास्ट 7 क्वार्टर्स कौन विप्रो में खरीद रहा है? जी हाँ, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 में पब्लिक का होल्डिंग 15.37% था, जो अभी जून 2023 के क्वार्टर में रिड्यूस होकर 12.71% हो गया है, और FIIs ने भी थोड़ा बेचा है जिसकी वजह से उनका शेयर होल्डिंग 8.12% से कम होकर 6.46% हुआ है। लेकिन वही DIIs ने इन दोनों से खरीदा है, जहां पर DIIs का होल्डिंग 3.24% से बढ़ के अभी 7.69% हो गया है। और जनरली ऐसे बड़े कंपनीज क्या करते हैं, वो खराब टाइम पे खरीदते हैं और उसके बाद वेट करते हैं, और मान लीजिए अगर 1-2 साल बाद सिचुएशन सही होता है तो उसके बाद यही पिटे हुए स्टॉक्स हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड जस्ट फॉर फन, एक FMCG कंपनी था जिसको ऐसा ही ट्रोल किया जाता था और इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनते थे, और बाद में चल के इसमें एक बहुत बड़ा रैली हुआ, और स्टॉक का नाम अगर आप जानते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बार ये पढ़ा था कि बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि विप्रो के अंडर कंज्यूमर केयर, लाइटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग ऐसे बाकी डिविजन्स भी आते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि 2013 में ही इन सारे डिविजन्स को डीमर्ज किया गया था विप्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड के अंडर, और इस कंपनी को अभी अजीम प्रेम जी प्राइवेटली होल्ड करते हैं। और सुनने में आया था कि 2021 में इस कंपनी ने अराउंड 10,800 crores का रेवेन्यू कमाया। लेकिन ध्यान में रखिए, ये एक सेपरेट कंपनी है और विप्रो का जो आईटी कंपनी है इसके साथ अभी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो होप आपने कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा था, दिस क्लैरिफाइज दैट क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, या जिसको आप डीमार्ट के नाम से भी जानते होंगे, और ये जो स्टॉक है इसमें रिसेंटली 26% से भी ज्यादा का करेक्शन हो चुका है, और प्रेजेंटली इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74.64% है। और इस कंपनी में इन्वेस्टर्स का मेन कंसर्न ये है कि जिस तरीके का वैल्यूएशन कंपनी का है, जहां पर कंपनी का पी रेशो 110 के आसपास है, उसी तरीके का ग्रोथ कंपनी डिलीवर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसका रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भले ही 18.6% बड़ा हो, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है उसमें -9% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ होने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो कंपनी को 57% ऑफ द रेवेन्यू फूड सेगमेंट से आता है, 20% ऑफ द रेवेन्यू FMCG सेगमेंट से आता है। यानी इन दोनों सेगमेंट्स को मिला के कंपनी को अराउंड 77% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर इन दोनों सेगमेंट से भले ही 77% का रेवेन्यू आता हो, लेकिन ये दोनों सेगमेंट्स लो मार्जिन सेगमेंट्स है, यानी कंपनी को इन दोनों सेगमेंट से कम प्रॉफिट्स मिलता है या कम मार्जिन मिलता है। और उसके बाद एक और सेगमेंट है जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल सेगमेंट, जहां से कंपनी को 23% ऑफ द रेवेन्यू आता है, लेकिन ये कंपनी के लिए हाई मार्जिन सेगमेंट है, यानी यहां पर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं या ज्यादा मार्जिन मिलते हैं।
तो अभी इस सिचुएशन को समझने के लिए मान लीजिए फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट से कंपनी को 60 रुपीज का रेवेन्यू आता है, तो इसके ऊपर अगर कंपनी को 10% का मार्जिन मिलता है तो कंपनी का प्रॉफिट इसके ऊपर कितना हो गया, 6 रुपीज हो गया। और वही मान लेते हैं 40 रुपीज जो है वो जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल सेगमेंट से आता है और इसके ऊपर कंपनी को 30% का मार्जिन मिलता है, जिसके बेसिस पे कंपनी इस सेगमेंट से 12 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। यानी इन दोनों को मिला के कंपनी के सेल्स हो गए 100 रुपए का और टोटल प्रॉफिट हो गया 18 रुपीज का। तो अभी अगले साल ये मान लेते हैं कि फूड एंड एफएमसीजी के रेवेन्यू में ग्रोथ होता है और ये रेवेन्यू 60 रुपीज से बढ़ के 100 रुपीज हो जाता है और 100 रुपीज पे 10% का प्रॉफिट मार्जिन यानी इस सेगमेंट से कंपनी को 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। और वही जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो मान लेते हैं वो 40 रुपीज से रिड्यूस होकर 20 रुपीज हो जाता है और अभी 20 रुपीज के रेवेन्यू के ऊपर 30% का प्रॉफिट मार्जिन यानी यहाँ से कंपनी को 6 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। अभी इन दोनों सेगमेंट्स को मिला के कंपनी का सेल्स कितना हुआ, 120 रुपीज हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, 16 रुपीज हुआ। यानी सेल्स में भले ही 20% का ग्रोथ हुआ हो लेकिन प्रॉफिट में अराउंड 11% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है और अभी डीमार्ट के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है और इसी बात को इस कंपनी के जो सीईओ और एमडी है वो भी कंफर्म करते हैं, जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि उनके जो ग्रॉस मार्जिन्स है दे कंटिन्यू टू बी लोअर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर और ये मार्जिन लोअर होने का रीजन वो ये बताते हैं कि इनके जो हाई मार्जिन जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल बिजनेस है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, यानी वहां पर सेल्स कम हो रहे हैं और इसके कई सारे रीजंस हैं। उसमें एक रीजन हो सकता है महंगाई या इन्फ्लेशन, क्योंकि डीमार्ट में लोग सस्ता माइंडसेट लेके जाते हैं जहां पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है और प्रोडक्ट्स सस्ते पे मिलते हैं और ऐसे टाइम पे इन्फ्लेशन की वजह से अगर जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस टैग में अगर हायर प्राइस दिखता है तो लोग उसको जनरली खरीदना पसंद नहीं करेंगे। और एक और रीजन लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बताया जाता है, यानी लोगों के पास जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा उतना ही ज्यादा ये जनरल मर्चेंडाइज और अपीरियल के प्रोडक्ट्स बिकेंगे और जब ये डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा वैसे प्रोडक्ट्स के सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके साथ साथ कंपनी के लोअर ग्रोथ का एक और रीजन है इसके लोअर पेस ऑफ एक्सपेंशन का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 9 नए स्टोर्स ओपन किया है जिससे उनका टोटल स्टोर काउंट बन जाता है 336 और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो कंपनी स्लोअर एक्सपेंशन इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है और ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि आरबीआई का जो रेपो रेट है वो अभी 6.5 के आसपास है, जिसकी वजह से जो होम लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, ये सब महंगे हो चुके हैं। और जनरली बिजनेसेस क्या करते हैं, जब कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो उस टाइम वो एक्सपेंशन नहीं करते, उस टाइम वो बिजनेस को मैनेज करते हैं और जब कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन कम हो जाता है, मान लीजिए कल इंटरेस्ट कम हो जाता है, तब ये सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं और उसी से बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और नए स्टोर्स को ओपन कर सकते हैं। और इसके पीछे एक और सिंपल लॉजिक ये भी है कि कंपनी के ऊपर जितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ता जाता है उतना ही इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम वहां पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी उससे काटना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए बिजनेसेस कब एग्रेसिवली एक्सपेंड करते हैं और कब बिजनेसेस को मैनेजिंग मोड में ले जाते हैं और किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो एक्सपेंशन को किस तरीके से सपोर्ट करता है या किस तरीके से हिंडर करता है, ऐसे कई सारी चीजें समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी समझना बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ऐसे कहीं सारे और मीडियम से ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एक फॉर्मेटेड तरीके से एंड टू एंड इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल्ड कोर्स प्रिपेयर किया है जिसको हमने async.com पे अपलोड कर दिया है और अगर आप चाहें तो आप async.com पे इन्हें चेक कर सकते हैं और इनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तक जो हमने डीमार्ट के बारे में बात किया है वहां पर कुछ इन्वेस्टर्स को ये लग सकता है कि अभी डीमार्ट जो फेस कर रहा है वो टेम्पररी ट्रबल है और वही कुछ और इन्वेस्टर्स को ये भी लग सकता है कि ये एक परमानेंट ट्रबल है या प्रोलॉन्गिंग ट्रबल है, क्योंकि अगर मान लीजिए डीमार्ट को इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सालों का समय लग गया तो ऐसे केस में क्या होगा। तो देखिए टू बी फ्रैंक इतना आगे का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ये आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स की मदद ले सकते हैं और वो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स कौन है, FIS और DIS है, क्योंकि अगर किसी बड़े कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रॉब्लम्स है तो चांसेस ज्यादा है कि उसको सबसे पहले FIS और DIS आइडेंटिफाई करे और वो ऐसे स्टॉक से निकल जाए। और यहाँ पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर हम FIS और DIS का क्यों सुने, तो देखिए सुनना है या नहीं सुनना है ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे ये लगता है कि FIS और DIS के पास जो रिसोर्सेस होते हैं या जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है उसका क्वालिटी ज्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी ने कंपनी में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया है तो वो डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात कर सकता है और उसके साथ साथ ऐसे कंपनीज के पास ऑफिस भर के लोग होते हैं और एनालिस्ट होते हैं ऐसे कंपनीज के सिचुएशंस और फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने के लिए और कंपनी के जो फ्यूचर ट्रेंड्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए।
और इसीलिए आई गेस FIS और DIS किसी कंपनी में क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी हमें कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है, बिकॉज वहां पर हम FIS और DIS का जो रिसर्च है उसको लेवरेज करके वहां से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगर आप लास्ट 7 quarters का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे वहां पर आपको ये दिखेगा कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है इस टाइम पीरियड में 0.35% कम हुआ है, FIS का होल्डिंग 1.16% कम हुआ है, वही DIS का होल्डिंग 1.48% बढ़ा है और वही पब्लिक का होल्डिंग 0.01% घटा है। यानी यहाँ पर DIS ने FIS से और प्रमोटर से थोड़ा बहुत खरीदा है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उतने बड़े चेंजेस शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहाँ पर FIS और DIS जो है या प्रमोटर्स जो है वो पब्लिक को सेल करके कंपनी से एग्जिट हो रहे हैं। और जनरली ये हो सकता है कि अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मे बी FIS और DIS धीरे धीरे कंपनी से एग्जिट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है एटलीस्ट फॉर नाउ। अभी ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी जिस तरीके के प्रॉब्लम से डीमार्ट गुजर रहा है उसकी वजह से अगर फ्यूचर में स्टॉक प्राइस में और भी ज्यादा करेक्शन होता है तो यहाँ पर FIS और DIS और खरीदेंगे या पब्लिक को सेल करेंगे वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर प्रमोटर्स और ज्यादा खरीदे उसका स्कोप बहुत ही कम है, क्योंकि सेबी के के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 75% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और प्रेजेंटली डीमार्ट में प्रमोटर्स का होल्डिंग ऑलरेडी 74.64% के आसपास है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है Zydus Life Sciences Limited, और कुछ क्वार्टर्स पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस में अराउंड 49% का करेक्शन हुआ था, और उस टाइम पीरियड में हमने इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कशन भी किया था, और कुछ क्वार्टर्स बाद इसमें फिर से रिकवरी होता है और स्टॉक का प्राइस अप टू 92% ऊपर जाता है। और अभी रिसेंट टाइम्स में फिर से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अराउंड 10% का करेक्शन हुआ है, और अभी स्टॉक में इतना बड़ा रैली हुआ है तो हो सकता है इसमें और भी ज्यादा करेक्शन हो या कंसोलिडेशन। एंड ऑफ कोर्स यहां पर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये करेक्शन या कंसोलिडेशन एक दिन में या एक हफ्ते में होगा, लेकिन इतना जल्दी करेक्शन हो या कंसोलिडेशन हो उसका चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे करेक्शन या कंसोलिडेशन 6 months 1 year या कुछ क्वार्टर्स तक चल सकता है। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड में ऐसे कंपनीज को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74.98% है, और इस कंपनी का अगर आप लास्ट 7 quarters का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 0.1% बड़ा है, FIS का होल्डिंग 2.32% बड़ा है, DIS का होल्डिंग 0.18% बड़ा है, और वही पब्लिक का होल्डिंग है वो 2.62% घटा है या रिड्यूस हुआ है। यानी यहाँ पर प्रमोटर्स और DIS ने बहुत छोटे मात्रा में खरीदारी किया है, लेकिन वही FIS का जो स्टेक है वो 2.32% बढ़ा है और बढ़ के अभी ये 4.85% हो गया है। और इन्होंने बेसिकली ये शेयर्स पब्लिक से खरीदा है जिन्होंने इस टाइम पीरियड में अपने शेयर्स बेचे हैं। और उसके बाद एक और कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 73.77% है, और लास्ट 6 quarters में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 0.11% कम हुआ है, FIS का होल्डिंग 0.45% कम हुआ है, लेकिन वही DIS का होल्डिंग 6.69% बढ़ा है। एंड गेस व्हाट, यहां पर बेचा किसने है, यहां पर बेचा है पब्लिक इन्वेस्टर्स ने, जिनका होल्डिंग 6.14% घटा है। और उसके बाद कुछ और कंपनीज जिसमें प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है उनमें से एक कंपनी है यूनो मिंडा, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 68.74% है, और एक और कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग 73.15% के आसपास। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और उसके बाद बहुत जल्द हमारे लर्निंग कम्युनिटी में हम एक स्मॉल कैप IT